हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो फ्रेंड, फाइनली मैं गांव से बनारस शिफ्ट हो गई, मतलब आ गई शिफ्ट में। तो यह देखिए बनारसी नाश्ता, तो ये है इडली भैया जी लाए हैं, और सांभर चटनी के साथ, और इंदू वड़ा बोलते हैं जो वड़ा, मतलब जो भी है। तो बस आ गई हूँ मैं, मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए थे 4:30 बजे तक पहुँच गई थी, फिर 4:30 बजे तक सोई, और उसके बाद मैं उठी 9 बजे उठी मैं, क्या भैया मैं सब लोग यहाँ मैं उठी तो नाश्ता बनाने सूजी का इडली बनाने जा रही थी। तो भैया जी बोले, नहीं भाभी, घर का नहीं खाना है, 2 महीने से बहुत खिला दी, अब मुझे बनारस का नाश्ता करना है। बोले ठीक है, लाइए हम लोग भी करते हैं। तो बस भैया जी गए थे, लेकर आए हैं। तो आज 2 महीने बाद मतलब बनारस का नाश्ता है। तो किसको देख के मुंह में पानी आ रहा है बताना, किसी को नहीं, श्योर मेरे भैया भाभी को तो ज़रूर आता हो, आ जाएगा इनका पुरुषोत्तम है बनारस के फेमस इडली वाले भैया भाभी, मेरे मुंबई रहते हैं, और किसी का तो नहीं पता, हाँ बट उनका ज़रूर पता है, उनको देख के ज़रूर आएगा मुँह में पानी, क्योंकि बचपन से मेरा भैया वहीं खाता है ना। इनकी पहले 2.5 रुपये 1.5 रुपये से थी, अभी तो 25 रुपये कर दिए हैं, इतनी महंगी हो गई है, पता नहीं क्या टेस्ट। हाँ, इनकी चटनी बहुत अच्छी रहती। तो बस चलिए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हम भी यहाँ खा रहे हैं, और बस बने बनान मिला है, मतलब रेडीमेड ही है, पर बनाना नहीं पड़ा। तो सूजी भी खा के रखती हूँ, उसको शाम तक छील वगैरह बना के रख दूँगी। और इतना बॉडी पेन कर रहा था ना फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, मतलब कि पूरी रात में बैठ के आई थी ट्रेन में, रात का ट्रेन था मेरा, जबकि 2-3 घंटे लेट था, इसलिए क्योंकि एक सीट पे तो भैया जी थे, एक सीट पे अभियोग ताकरी थी, दोनों सो गए। तो वैसे तो वहाँ 2-3 सीट सब खाली थी, एसी वाला जो था ना सब खाली था, बट दोनों को मैं छोड़ के नहीं हट सकती थी ना, तो बस इसीलिए। तो हो गया नाश्ता पानी मेरा। तो यहाँ पे ना सब मंदिर का प्रसाद आया हुआ था, बड़े पापा से मिलने भैया जी गए थे ना, तो उन्होंने मंदिर का प्रसाद दिया, मेरे बड़े पापा जी, ससुर जी, सब लोग ना विश्वनाथ जी मंदिर में पुजारी हैं। तो वहाँ से बड़े पापा जी ने सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए। भैया जी बोले, भाभी सब अलग कर दीजिए, मिक्स है, नहीं तो महक स्मेल आ जाएगी, नहीं जो छोहाड़ा मुनक्के क्या बोलती किशमिश वगैरह मखाना सब मिक्स, तो वही लेके मैं बोली पहले अलग अलग कंटेनर में रख दूँ, जो किशमिश है मुनक्का क्या बोलते हैं जो भी है, ये सब देखिए वहाँ के, ये है ना वो चांदी का जो बेलपत्र मिलता है, ये सब चीज़ें हैं। तो सब मंदिर से आया है, भैया जी लाए हैं, भिजवा दिए बड़े पापा जी, क्योंकि गांव जाना है ना, बोले गांव लेते जाना, वहाँ पे सब प्रसाद यहाँ वैसे होता है ना, जिसके पास जिस चीज़ रहती है नहीं इतना खाता पीता है, बच्चे लोग ज़्यादा खाते हो, गांव में जाता है बनारस का, वो भी विश्वनाथ जी का प्रसाद तो सब आते हैं मांगने के लिए, कोई यहाँ से जाता है बनारस से। तो इस मंदिर से जो सामान, मतलब आज का ही जो मंडे के भैया जी गए थे मिलने, उस दिन का ही जो मिला है, और बाकी इससे पहले जब भैया जी आए थे ना, एक गट्ठर तो मैं 4-व्हीलर गाड़ी से मैं गई थी ना रोड बाइक से, तो उस लेके गई थी, बाकी 2 ठो ऐसे ही बांध के, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं था, मेरे बाकी सामान थे लगे, क्योंकि एंगेजमेंट के लिए जब गए थे हम गाँव बनारस से, तो एक ही गट्ठर ले गए थे, बाकी 2 गट्ठर ऐसे रखे हुए थे। तब इन सबको मैं एक स्टोरेज करके अच्छे से रख दूँगी भर के, क्योंकि बहुत जगह अच्छी स्मेल भी आ गई थी ना, वैसे बांध के रखा गया था, बारिश का सीजन है। तो बस ये है विश्वनाथ जी का, मतलब जो सब मिला हुआ सामान है, तो रख अब यहाँ पे सब डब्बे में मैं रख दे रही हूँ, बाकी जो गांव वाला ले जाना होगा गाँव ले जाएँगे भैया जी, और नहीं तो जो यहाँ रखना हो ड्राई फ्रूट से यहीं रख दूँगी। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। मैं पता है फ्रेंड, मेरा वीडियो क्यों नहीं अपडेट हो रहा था, क्योंकि मेरा मोबाइल 3 दिन से बनने गया था, क्योंकि गांव में गई थी तो अभी उसने तोड़ दिया था, तो उसका फ्रंट कैमरा ख़राब था, तो फिर भी सही था। तो यहाँ आए हस्बैंड जी, अपने कलाकारी दिखा रहे थे, पता नहीं क्या कर दिए थे, उसका पूरा मतलब ख़राब ही हो गया था, मतलब लाल लाल दिखने लगा था। तो बन के 3 दिन बाद आज आया है, तो मैं वीडियो पहले अपडेट कर दे रही हूँ, कल सुबह आपको मिलेगा। आज है 13 तारीख, 14 तारीख को वीडियो देखने को मिलेगा। तो बस यही है सब चीज़ें, और इसके बाद मैं निकलूँगी मार्केटिंग करने। क्या मैं आ गई अब सुपर मार्केट, सामान लेना था राशन, घर की कुछ चीज़ें, हालांकि इन्होंने कुछ चीज़ें रख दी थी, बट मुझे जो चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पता है ये सब चीज़ें ना, ये जैसे बिस्किट वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक ना, बहुत 1 बाय 1 मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल खुल गया, मेरी बेटी का सब भी बच्चों का खुल गया है, तो कुछ डबल सामान लेना है, मतलब कढ़ाई वगैरह जो था ना है ना ऑलरेडी, पर मुझे एक्स्ट्रा सब चीज़ें लेनी है, क्योंकि जो हेल्पर आती हैं तो 8:30 बजे मुझे 7:30 बजे स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना रहेगा 6 बजे तक, तो इसके लिए कढ़ाई सब चीज़ें जो है डबल डबल मुझे, एक तो ऑलरेडी था, दूसरा लेना है क्योंकि जूठा रहता है, फिर दूसरा यूज़ करने के लिए चाहिए। तो आगे आगे मिस्टर जी चल रहे हैं, और पीछे पीछे मैं अभी उसको घर पे छोड़ के आई हूँ, क्योंकि भैया जी उनको देख रहे हैं, और तो बस ये है। चलिए मीजी के साथ आप लोग बने रहे, देखते रहिए मेरे वीडियो को, और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए, अब आप लोग को बनारस की वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, जो भी मिस्टेक वगैरह जो भी हुआ होगा,
उसके लिए सॉरी। मतलब जो पीतल तांबा का बर्तन, कांच का बर्तन जो होता है, वो सब चीज़ें देख रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, और बड़े महंगे थे भाई, एक ठो मतलब कि 250 का कटोरी ऐसे कुछ था। तो ये मैं इनको दिखा रही थी, ले लो जी। हम बोले मतलब अभी आएंगे फिर लेंगे, एक ही दो लेंगे, पर लेंगे घर में सब सजाने का। जैसे मॉडलर किचन होता है ना, उसमें कांच का जो दिखते हैं सब, हम बोले ये पक्का ले चलेंगे, रखेंगे। बोले अभी जो लेने हैं वो ले लो। और यहाँ तो ऐसा लग रहा था ना जैसे सारी चीज़ें ही खरीद लें। हम बोल ये अब पता है ऐसा भीड़ वहाँ पर था ना, एक तो संडे था और इतना भीड़ था। मैं करी पहले जैसे मैं एंट्री की, मैं बोली जी हाँ कुछ चीज़ फ्री मिल रहा है क्या ऐसा, जैसे सब ट्रॉली को भर भर के ऐसे ले रहे थे सामान ना कि क्या ही मैं बताऊँ। हाँ पर ठीक था, मतलब जो बाहरी मार्केट से हिसाब से यहाँ पे कुछ परसेंटेज जो थी अच्छे थे। तो यहाँ पे मैं सब देख रही थी चीज़ें, मैंने भी ली थी, बहुत सारी शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं फिर भी, हाँ जितना ज़रूरत की चीज़ें मुझे लेना था ले लिए हैं। तो थर्ड फ्लोर था, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर क्या चीज़ें थी यार, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे क्या था, नमकीन बिस्किट, सेकंड पे बर्तन की चीज़ें, उसके ऊपर जो थे ब्लैंकेट वगैरह जैसे ये सब चीज़ें। तो तीनों फ्लोर पे हम जाते घूमने। बाबू को मतलब अभी उसको घर पे छोड़ दी हूँ, आकृति अपने फ्रेंड के घर गई है घूमने, तो भाभी यहाँ छोड़ के इसको जाती है, तो ये भाई अपने लिए टॉयज एक ठू लेगी। फिर इसके बाद हम लोग घर निकलेंगे चलेंगे, क्योंकि फ़ोन आया था भैया जी का, भाभी अभी उठ गया है आप आ जाइए। तो बस वो लेके अभी आकृति के लिए एक टॉय जो पसंद करती है, वैसे मेरी बेटी जिद नहीं करती कोई चीज़, उसके पापा ज़बरदस्ती दिला रहे थे, वो बोले कुछ नहीं पापा है घर पे, बोले नहीं बेटा आई हो तो ले लो, तो वही पसंद करती है। तो यहाँ सब है, अभी फिर आएंगे क्योंकि अभी वो टूट गया नहीं, और कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। तो हमने कढ़ाई लेते हैं, बेलन चकला नहीं लेते क्योंकि थोड़ा स्क्रेच उसमें था, फटा हुआ भागे और नहीं था, सब खत्म था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो यहाँ पर जो है बिलिंग चेक करा रही हूँ। बस आज के लिए हमने बनारस आते ही ढेर सारी शॉपिंग की, लग रहा है थोड़ा सा, पर मुझे जो बिल दिया उनको पता है ना जो पेमेंट किया है कितने का है। सब स्टील की चीज़ें ली हूँ, मतलब पूरी छानने वाला, दाल छोकने वाला कलछी, और हाँ क्या चीज़ें हैं बहुत सी, और सब चीज़ें क्या बताऊँ, दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या ली हूँ। और यहाँ मैं निकल रही हूँ, मिस्टर जी वीडियो बना रहे हैं, और हो गया आज का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, और बहुत अच्छा है समय, देख रहे कितना भीड़ था। एक तो संडे था ना, और शाम को पता है कितना टाइम हो रहा था, 8:30-9 बज रहा था कुछ ऐसे टाइम। तो हम लोग चले आते हैं बस सामान लेके, स्मार्ट बाजार ही बनारस का। तो हो गया मेरा वीडियो आज का यहीं ख़त्म है, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।
और हाँ अभी देखिएगा ना, अभियुक्त आते इतना खुश हो जाता है, पहले तो गुस्सा आता है, अपने चाचू से गुस्से में सोया रहता है, तकिए मुंडी डाल के जैसे डोर बस्ता हम लोग अंदर आते हैं ना, खुश हो जाता है। ताकृति बोली, बाबू देखो तुम्हारे लिए सामान लाए, पर इसको ना खिलौना वगैरह किसी से मतलब नहीं है, बस नुकसान करना है, तो झूला लेके दौड़ रहा है। तो हो गया ख़त्म यहीं पर मेरी वीडियो।